सोलन में आज सुबह मौसम बिल्कुल साफ था, तेज धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक ही मौसम ने करवट ली और सोलन को काले घने बादलों ने अपने आगोश में ले लिया। घने बादलों को देख सोलन के लोग तेज बारिश की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन आज फिर से शहरवासियों को हल्की बूंदाबांदी से गुजारा करना पड़ा है। हल्की बूंदाबांदी के बाद अचानक शीतलहर चल पड़ी है, जिससे लोग गर्म कपड़े खरीदते नजर आए। वहीं कुछ लोग आग जलाकर ठंड से भी बचाव करते हुए दिखे हैं। सोलन वासियों ने इस मौके पर हो रही बारिश को हितकारी बताया और कहा कि बारिश से जहां एक और किसानों को फायदा होगा, वहीं शहरवासियों को सूखी ठंड से भी निजात मिलेगी। गांव वासियों का कहना है कि बूंदाबूंदी की वजह से उनके सूखते खेतों को थोड़ी राहत मिली है। ठंड बहुत बढ़ी है और सूखा भी बड़ा था, तो इससे थोड़ा किसानों को भी राहत मिलेगी और फसलें भी होगी थोड़ी बहुत अच्छी सी। बारिश बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो फसलें हैं, सब्जियां वगैरह हैं, ठीक ठाक हो जाए, पैदावार हो जाए। बारिश कुछ 3 महीने के बाद हुई बारिश, और इससे जो गला खराब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग, अब थोड़ी बारिश से राहत हो जाएगी और ठिठुरन भी थोड़ी बढ़ेगी। सर्दियों में सर्दी होनी चाहिए और गर्मियों में गर्मी होनी चाहिए, इससे है लोगों को स्वास्थ्य पर थोड़ा अच्छा होगा, फसल के लिए भी ये बारिश अच्छी है। आज जैसे कि 4-5 महीने से लगातार कोई बारिश नहीं हो रही थी और कंटिन्यू इस महीने जो पहले अभी बारिश हुई है वो किसानों के लिए और अन्य फसलों के लिए बहुत लाभदायक हुई है।